लोग कहते हैं कि जब भी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर के ऊपर हो तो मुर्दे भी बोलना शुरू कर देते हैं, यानी उसमें भी जान आ जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लोग कहते हैं कि जब भी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर के ऊपर हो तो मुर्दे भी बोलना शुरू कर देते हैं, यानी उसमें भी जान आ जाती है। और वैसे ही दो शख्स से हम आज देशवासियों को मिलाने वाले हैं, और ये जो दो शख्स हमारे सामने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर खड़े हैं, या लगभग 65 दिनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, और पैदल यात्रा में 5 राज्यों को पार करके या बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज रोड पर खड़े हैं अभी वर्तमान में, और इनकी यात्रा जो है इसी राह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश होने वाली है। अब इनका जो मकसद है और जो मिशन है उसके बारे में भी हम दर्शकों को बताएंगे, और सबसे पहले इनके साहस को हम जो है नमन करेंगे कि इतनी मजबूत साहस ये कैसे ले रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कड़कती धूप में अगर पिता अगर पुत्र को पानी लाने के लिए कह दे तो शायद उनकी बातों को इनकार कर देगा, और एक मिशन को लेकर, एक देश के एक युवाओं के संदेश को लेकर, या दो युवा अपने घर से निकले हुए हैं, एक युवा वेस्ट बंगाल के है और दूसरा महाराष्ट्र के हैं। इनकी जो मिशन है इसको हम बारीकियों से दर्शकों को बताएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन आ गई, कहाँ घर पड़ेगा आप लोगों का? मेरा महाराष्ट्र में मुंबई में है। महाराष्ट्र और मुंबई में? महाराष्ट्र मुंबई में। महाराष्ट्र मुंबई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यजीत पवार है। मेरा नाम विश्वजीत सरकार, और मैं वेस्ट बंगाल मालदा से हूँ। क्या मिशन क्या है आपका घूमने का? हमारा मिशन अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख हम पैदल सफर कर रहे हैं। हाँ। और हम एक किताब भी लिख रहे हैं उसका साथ। क्या किताब का नाम है? फ्रॉम अरुणाचल टू लद्दाख, यही नाम रहेगा। फ्रॉम अरुणाचल टू लद्दाख वॉकिंग इन इंडिया। फ्रॉम अरुणाचल लद्दाख वॉकिंग इन इंडिया किताब का नाम है, और इस किताब को लिखने के लिए लगभग हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों में पैदल यात्रा करके वॉच कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का, कल्चर का वॉच कर रहे हैं, और एक संदेश देना चाहते हैं ये दो युवा। क्या मिलेगा इससे आपको? से मिलने के बारे में तो सोचा नहीं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके अभी उसमें अभी फोकस कर रहे हैं। नहीं, आखिर आपकी ये जो ध्वज है, आप बिना ध्वज के भी जा सकते थे, तो फिर कैसे दिमाग में आया? नहीं, ये तो अपनी शान है। ये तो हमारा शान है, देश में हम नहीं घूमेंगे तो कौन घूमेगा? शान को हम साथ में लेके घूमेंगे, और शान हमारी जान है, बस हमारी जान है। शान हमारी जान है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को सर पर लगा कर चल रहे हैं, और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज यह बताता है कि यह हिंदुस्तानी है और कर्मठ क्रांतिकारी हिंदुस्तानी है, क्योंकि इसी राष्ट्रीय ध्वज के लिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और जहां लाखों वीर शहीद हुए थे, और उसके बाद अगर हिंदुस्तान को कुछ मिला तो यह राष्ट्रीय ध्वज मिला। फिलहाल इनके जो मिशन है वह मिशन बहुत सुंदर है, और पूरे एक किताब के लिखने के उद्देश्य से क्या ये पूरे हिंदुस्तान में चलने वाला है क्या आपका? हाँ, हम हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च करने वाले हैं। और ये तो अभी अरुणाचल लद्दाख जाएगा, मतलब पूरा उसमें आएगा। हाँ। वो पूरा डिटेल्स में, और ये पूरा वर्ल्ड के लिए रहेगा। हम तो पूरा लॉन्च करेंगे तो पूरा वर्ल्ड के लिए, जो भी अगर मतलब पढ़ता है तो पढ़ के यहाँ पे आना चाहिए, उसको भी अच्छा लगेगा, इंडिया में घूमे, इंडिया में बहुत कुछ है। अभी तक आप कितने राज्यों को में घूम चुके हैं? अभी तक हमारा 4 राज्य होगा, 3 राज्य है, चौथा राज्य है हमारा, चौथा राज्य है। बिहार का कल्चर कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि लोग जब से मतलब हमने एंट्री किया, आज की बात कह रहेंगे तो अभी हम याद है कौन सा बरूज गाँव ना, बरुराज वहाँ पे हमें लोग मिले थे, उनसे वहाँ बैठ के बात भी की, उन्होंने रसगुल्ला खिलाया, मीठा मतलब आपका जो लिट्टी वो भी हमने वहाँ पे खा लिया, तो मतलब लोगों ने हमारे से बहुत प्यार से, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के।
मैं दर्शकों को कहूंगा कि इनकी रास्ता जो है और मंजिल काफ़ी दूर है और अभी उत्तर प्रदेश में ये कल प्रवेश कर जाएंगे। इस खबर को आप देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरा विशेष अनुरोध होगा कि आप कम से कम अपने मित्रों में जो है इसको शेयर जरूर करें ताकि ऐसे वीर योद्धाओं को कहीं भी कोई असुविधा न मिले और हर जगह इंसानों से इनकी मुलाकात हो और ये अपने मकसद में कामयाब हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE News बिहार, धर्मचंद यादव।